हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। बड़े लंबे टाइम से इसका वेट किया जा रहा था, लेकिन 2019 के बाद ये अब 2021 में स्टार्ट करवाई जा रही है। और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो पिछले 3 दिन के स्टैट्स निकल गए हैं कि पिछले 3 दिनों में 12,569 लोगों ने जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर किया है, जिसमें कि 7,411 कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सफलतापूर्वक, मतलब एंड तक उन्होंने पूरा फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया है। तो ये कुछ डिटेल्स निकल के आई हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि टोटल 1334 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 1243 वैकेंसीज हैं वो हैं कॉन्स्टेबल की और 91 हैं ड्राइवर की। 1243 वैकेंसीज में से 932 मेल कांस्टेबल और 311 जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कांस्टेबल के लिए हैं। और यहाँ पे अगर आपने लास्ट में जाके एक बार फॉर्म में पूरी डिटेल्स भर के उसको सबमिट कर दिया, तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे ये हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, यहाँ पे आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनकी सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप इनके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एज लिमिट जनरल कैटेगरी 18 से 25, SC ST 18 से 27, OBC 18 से 27, गोरखा रेजिमेंट 18 से 27, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है +2। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हो कि कितनी फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल और ड्राइवर की कितनी वैकेंसीज है, टोटल कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1334 टोटल वैकेंसीज हैं। तो ये पूरी डिटेल है पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी इसके जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। पिछले कल मैंने फॉरेस्ट गार्ड पे ही ऐसी वीडियो बनाई थी, तो आज मैं पुलिस कांस्टेबल पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।